कोटा के पास सड़क हादसे में चोटिल युवती के परिजनों के द्वारा 2 अक्टूबर को बिलासपुर के मंगला चौक स्थित श्री साई अस्पताल में 24 सितंबर को युवती को भर्ती कराया। इस दौरान डॉक्टर ने सारा इलाज आयुष्मान कार्ड से होने की बात परिजन से कही। 2 अक्टूबर सुबह तक युवती की हालत सामान्य बताई जा रही थी, लेकिन दोपहर होते होते अचानक युवती की मौत होने की खबरें परिजनों को मिली, जिस पर युवती के परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा मचाया। इतना ही नहीं, अस्पताल को पूरी तरह बंद करने की बात कही। इस दौरान परिजन डॉक्टर्स की तलाश में पूरे अस्पताल के कोने कोने तलाश करती रही, लेकिन वहां एक भी डॉक्टर मौजूद नहीं थे। पूरी घटना होने के 1 घंटे देरी से पहुंचे पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद परिजनों को शांत कर वहां से जाने को कहा, जिस पर परिजनों द्वारा पुलिस से कार्रवाई की मांग लगातार करते रहे। काफी समझाइश देने के बाद कार्रवाई का आश्वासन देकर सिविल लाइन TI प्रदीप आर्य ने लोगों को जाने को कहा। अब सवाल ये खड़ा होता है कि इतने बड़े हॉस्पिटल में मरीजों के इलाज करने और एक भी डॉक्टर वहां मौजूद नहीं होना, क्या लोगों के इलाज के नाम पर डॉक्टर्स के द्वारा मोटी रकम वसूल की जा रही है और बिल भी नहीं दे रहे। इस पूरे हंगामे के दौरान श्री साई अस्पताल में एक भी डॉक्टर मौजूद नहीं होने से मरीज की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। क्या इस पर स्वास्थ्य विभाग और पुलिस प्रशासन कार्रवाई करेगी, ये देखने वाली बात है। लेके आए थे और क्या स्थिति है? वो मेरी बहन थी, उसका बाइक में एक्सीडेंट हो गया था, तो हम लोग लेके आए थे यहाँ। और क्या बोलते हैं, 10 दिन रखे थे। अभी कल रात में उसका तबीयत खराब बिगड़ गया था, ये लोग कुछ नहीं कर रहे थे। हम लोग बोले तो बोल रहे थे कि सब ठीक है बोल रहे थे। अभी अब छुट्टी मांगे तो हम लोग को दिलासा दे रहे थे, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। लास्ट में ख़त्म हो गया, बोल रहे हैं कि पूरा काम आयुष्मान कार्ड से हुआ। हम लोग नगद हर मेडिसिन का पैसा दिए हैं। कितना पैसा अब तक दे चुके हो, कितने की मांग कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? 50,000 के आसपास दे दिए हम लोग डेली। इसमें 5,000, 6,000, 5,000, 6,000, 900 रुपये वो खून पेशाब चेक का है और डॉक्टर का, ऐसा करके रोज देते थे पैसा। तो अभी क्या चाहते हैं आप लोग और वो क्या स्थिति है लड़की की? लड़की ख़त्म हो गई, हम लोग को इंसाफ चाहिए, मुआवजा चाहिए। हॉस्पिटल बंद हो जाए कोई मतलब नहीं है, हर आदमी आके हमार जाएगा जो भरोसे करते हैं, वो लोग कोई मतलब का नहीं है। वहाँ पेशेंट है, जाके देख ला, 1.5-2 लाख दे के बैठे हैं और बोलते हैं कि सब काम फ्री में हो रहा है। आगे क्या करेंगे फिर कार्रवाई? आगे हम लोग केस करेंगे इसके नाम। ठीक, नाम बताइए। योगेश तिवारी। उसका भाई का हो रही से खबर यहाँ लेके आ रहे हो, अभी क्या स्थिति होगा? वो गाड़ी ले गिर गए रही से बाइक से, और बाइक से गिरे के बाद हम यहाँ ला के एडमिट कर रहे हैं। तो हर बोला चाला कैसे रही से, ओखर बाद कल के डेट में खिचड़ी खाई से, फिर वाला रात को झटका ऐसे तो हमन बुलाए गए हमन, तब आईन है नर्स मन है और कोई बड़े डॉक्टर नहीं रही से। और 2 दिन से मन है अलग कमरा मोला शिफ्ट कर दे रही से, हमारे जाए आए नहीं देते, हम लड़ाई करत रहे तो जान देते रही से। अब कल के खत्म हो गए है, अ 9 बजे रात कन के मन है जिंदा है कहीं अभी तक रखे रही से। आप लोग क्या चाहते हैं और हम आगे कार्रवाई करा, और ये हॉस्पिटल में कोई मसला है, हॉस्पिटल सील लगवावा। हाँ, झूठ बोल से सब मरीज ला झूठ बोल के लाते, आयुष्मान से इलाज हो ही कहीं के आयुष्मान नहीं, मैं नगद केस दिया, बुला मेडिकल वाले, कोई न कंप्यूटर में दर्ज करे नहीं दिए, कोई बिल नहीं दिए है, और वो बता ही पैसा देते ही। हाँ, वो देते रही से। कोटा के पास में कुछ दिनों पूर्व गाड़ी से गिरकर एक जो युवती यहाँ श्री साई हॉस्पिटल में भर्ती हुई थी, साक्षी तिवारी, जो इलाज के दौरान आज पौत हो गया, जिसका इलाज के पौत होने के पश्चात परिजनों द्वारा और हॉस्पिटल प्रबंधन पर गलत इलाज करने का आरोप लगाते हुए शिकायत की थी और अपना विरोध दर्ज कराया था। इस संबंध में समझाइश दी गई है परिवारजनों को और बोला गया है अगर यदि कोई समस्या हो तो अपना शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और जो इनके द्वारा डॉक्टरों से जानकारी चाही गई थी कि क्या मामले में क्या इलाज किया गया करके, इनमें थोड़ा रोष था, पर समझाइश के बाद पंचनामा कार्य किया गया है, पंचनामा PM कराकर बाडी घर वालों को सुपुर्द कर दी गई है। परिजन आक्रोशित भी नजर आ रहे थे, अंदर तक भी घुस गए थे, क्या समझाइश दी गई है उनको और क्या आगे कार्रवाई इस पर पूरे? परिजनों को आक्रोश था कि इतने दिनों से इलाज चल रहा था कि उसके बाद भी बच्ची कैसे नहीं बची। चूंकि डॉक्टरों से बात हुई तो डॉक्टरों का कहना था कि नियमित रूप से और जो इलाज चल रहा था उसके दौरान जो स्वास्थ्य में गिरावट आती गई और आज उनका मौत हो गया था। बिलासपुर से अमित पाटले की रिपोर्ट।